सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग में। और आज मैं जाने वाला हूँ हमारे गांव के बगल में एक बिदौली है, वहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और आज है फाइनल मैच। तो चलिए चलते हैं आपको लेके। ये है एक्सट्रीम 200R और अब यहाँ से चलते हैं। सो गाइस, चल पड़ी है हमारी गाड़ी जिसमें हम तीन लोगों की है सवारी। पीछे यानी कि मैं सबसे हल्का और आगे सबसे भारी। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह ही हैं हम तीनों की यारी। वैसे तो हैं हम लोग ब्रह्मचारी, लेकिन जहाँ लड़की दिखी वही लाइन मारी। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और गाइज आप लोग कहीं मत जाना क्योंकि हमारी बकैती रहेगी जारी। सो गाइस, जैसे ही हम लोग मैच का आनंद ही ले रहे थे कि उधर से आने लगी फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसी गाड़ी जो कि खिलाड़ियों पर पड़ गई भारी। और हम लोग ले रहे थे मैच का आनंद, लेकिन मैच को ही करना पड़ा बीच में ही बंद। खत्म, रुको जरा, सबर करो। तो हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गया आनंद, कहाँ गया आनंद। तो गाइज मैं सोच रहा था कि अब कौन सी आ गई आफत, तो सुर्खियों से पता चला कि आ गए हैं भैया अभिमन्यु यादव, जिनका हो रहा है भव्य स्वागत। तो गाइस देख सकते हैं हम जितने भी दर्शक लोग दौड़े दौड़े उनके गाड़ी के पास ही पहुंच रहे हैं उनको देखने के लिए कि कैसे हैं भाई। हम तो नहीं ऐसा देखे थे कि भाई बीच में ही मैच रुकवा दो और इधर स्वागत में लग जाओ, तो होगा जैसे अभी हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए आप आगे बढ़िए। तो गाइस यहाँ पे तो यही चल रहा था कि अभिमन्यु भैया इज द बेस्ट और खिलाड़ियों को मिल गई थी रेस्ट। समझ रहे हो ना? तो खिलाड़ी पैदल पैदल घूम रहे थे पूरे ग्राउंड पे और हम भी इधर इनोवा और स्कॉर्पियो का मजा ले रहे थे भाई, मजा आया। सो गाइस हमको जहाँ तक लग रहा था लोग खिलाड़ी को नहीं गाड़ी को ही देखने आए हैं। जिसको भी देखो उनकी नज़र गाड़ी पे ही टिकी थी और मैच तो हो गया था बंद। तो दर्शक कैसे लेते आनंद, किसको देखते, गाड़ी को ही निहार रहे हैं। और गाड़ी भी आगे पीछे हो रही है, कभी स्कॉर्पियो आगे तो कभी फॉर्चूनर आगे। तो गाइज देख सकते हैं इधर दर्शक लोग पूरा खचा खच भरा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? चारों ओर जितने भी मतलब ग्राउंड के बाहर चारों ओर बैठने के लिए जगह है, सब जगह फुल हो गया है। और ऐसा नहीं हर साल होता है, बैट्समैन तो जोर से मारने की कोशिश किए थे लेकिन लगा नहीं बल्ले पे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, अगली बॉल और ये हल्के हाथों से खेला और एक रन चुराया आसानी से। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैच देखने आए थे और अभी यहाँ पे जो मैच मतलब हुआ नहीं है, पूरा मैच के बीच में ही क्या हो गया, एम्पायर का गलत फैसला था इसमें, मतलब दर्शक लोग बीच मतलब ये फील्ड पर चल गए। ये देखिए पीछे इसे देखिए, पूरा देखिए पीछे जितने भी दिखाई दे रहे हैं सब दर्शक ग्राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। सो गाइस हम तो देख के ही रह गए दंग क्योंकि दर्शक मचाने लगे थे हुड़दंग। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और दर्शक एक टीम का सपोर्ट कर रहे थे इस कदर कि लग रहा था मचा देंगे मैदान पे ही गदर। और गाइस हमको तो भीड़ में जाने की हिम्मत नहीं हुआ, हम तो इस पर ही बैठ कर आराम से कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे थे। तो गाइस फिर कमेटी ने एक बैठक बुलाई और कैसे भी करके सबको शांत कराई। तो देख सकते हैं दर्शक लोग अपने चरण वापस ले रहे हैं दर्शक दीर्घा में। तो गाइज यहाँ पे सभी दर्शक लोग अपना स्थान ग्रहण करते हुए अब कुछ देर के बाद जाके मैच हुई स्टार्ट और फिर से देखने का मौका मिला खिलाड़ियों को। और खेल धीरे धीरे खत्म हो रही थी, मैच आ गया था आखिरी ओवर में और देख सकते हैं पूरे दर्शक लोग आखिरी ओवर में ही बाउंड्री के अंदर प्रवेश कर रहे थे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना।
लाए कोची का लाए। गाइस मैच हो चुकी है खत्म और जिसके सपोर्ट में मतलब हम सपोर्ट कर रहे थे वो टीम जीती नहीं, अनफॉर्चुनेटली वो हार गई क्योंकि बैट्समैन चला ही नहीं, 181 रन का कुछ टोटल था वो अचीव नहीं कर पाई, तो मतलब ऐसे ही मैच हार गई, अब लॉस कर गई। अब तो हम जा रहे हैं यहाँ से घर, तो चलते हैं। अब आज के ब्लॉग में इतना ही, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।